अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सोमवार को पूरे विधि विधान के साथ पूरी हुई। 84 सेकंड के मुहूर्त में श्री रामलला की स्थापना की गई। गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, आपकी गवर्नर आनंदी बेन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। मोदी बतौर मुख्य यजमान हल्के पीले रंग की धोती और कुर्ता पहनकर 12 बजे मंदिर परिसर में पहुंचे। उनके हाथ में एक थाल थी जिसमें श्री रामलला का चांदी का छत्र था। संकल्प के साथ प्राण प्रतिष्ठा की विधि अपने तय समय 12:05 पर शुरू हुई, जो 1 घंटे से ज्यादा समय तक चली। प्रधानमंत्री ने भगवान की आरती कर चांवर डुलाया, मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास से कलावा बंधवाया और उनके पैर छुए। इसके बाद उन्होंने श्री रामलला की परिक्रमा की और साष्टांग प्रणाम किया। प्रधानमंत्री इसके बाद 1 बजे वे सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे राम मंदिर का निर्माण करने वाले मजदूरों से मिलेंगे। दोपहर करीब 2:15 वे श्री राम जन्मभूमि परिसर स्थित कुबेर टीला पर शिव मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। करीब 4:35 के कार्यक्रम के बाद 3:00 वे दिल्ली लौट जाएंगे। प्रधानमंत्री ने श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन के अनुष्ठान के दौरान उपवास, जप और गो पूजन किया। वे 11 दिन तक फर्श पर सोए और सिर्फ नारियल पानी पीकर फल खाकर रहे। मोदी इस दौरान रामायण से जुड़े 4 राज्यों के 7 मंदिरों में दर्शन पूजन भी किए।